students, today we'll be continuing chapter 1 SS Geography standard 10 for NCERT student. The name of the chapter is resources. In our earlier session we have already studied ki resources kya hota hai, utility matlab kya hoti hai, har resource ki kuch value hoti hai, technology pe depend karta hai ki resource kitne beneficial honge. Fir apan ne resources ka classification dekha tha, natural resources, human need resources. Natural resources ka again further classification tha, wo apan continue kar rahe the, theek hai. तो बेसिकली आज अपन पढ़ने वाले, अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था प्राइवेट रिसोर्सेज कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. अपन ने पढ़ा था कि प्राइवेट रिसोर्सेज क्या होते हैं और कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या होते हैं. अब अपन नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज. अब नेशनल रिसोर्सेज वर्ड से ही क्या सजेस्ट करते हैं कि पूरे नेशन को बिलोंग करता है. पूरा नेशन मतलब पूरा अपने कंट्री का रिसोर्स है. अब टेक्निकली देखा जाए तो जितनी भी रिसोर्सेज है वो नेशन की, अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी नेशन का है. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपना है, वो भी किसको बिलोंग करता है, नेशन को बिलोंग करता है. इवन जो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो भी किसको बिलोंग करते हैं, नेशन को बिलोंग करती है, राइट. ओके, तो टेक्निकली देखे जाए तो जितने भी रिसोर्सेस है वो किसको बिलोंग करते हैं, नेशन को बिलोंग करते हैं. ओके, तो इवन बोला है कि जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो भी नेशन को बिलोंग करती है. नेशन चाहे तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी खुद अक्वायर कर सकती है फॉर नेशन गुड. मतलब सपोज आपका कोई फार्म हाउस है और वो फार्म हाउस पे कोई कैनल बनानी है, कुछ रोड कंस्ट्रक्ट करना है जो बहुत जरूरी है अपनी कंट्री के लिए, तो गवर्नमेंट चाहे तो वो फार्म हाउस पे आपसे अक्वायर करके वहां पे रोड बना सकती है. बिकॉज जिस जमीन पे आपका फार्म हाउस है भले आपने पैसे देके वो खरीद दिया, लेकिन टेक्निकली नेशन का रिसोर्स है. और नेशन के फायदे के लिए अगर कोई रिसोर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट को अक्वायर करनी पड़े तो गवर्नमेंट यस अक्वायर करती है, राइट. समझ आया इतना? ओके, आपने देखा होगा काफी जो टाइम कोई प्राइवेट फील्ड पे रोड कंस्ट्रक्ट हो गए, कैनल कंस्ट्रक्ट हो गए प्राइवेट फील्ड पे, भले वो प्राइवेट है तो ऐसा थोड़ा ना कि नेशन उनको यूज नहीं कर सकते, नेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है. जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर भी ये सब चीजें कंस्ट्रक्ट होती है. अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो वो कर सकते हैं. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने परमिशन दी है, जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि इफ यू वांट आप प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, वाली प्रॉपर्टी उस प्राइवेट इंडिविजुअल से ले सकते हो. किसको? अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को. क्लियर? ओके, उसके बाद है जो भी मिनरल्स है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये जो भी अपने पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है, मतलब अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जो भी वाटर रिसोर्सेज है, जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वो सब किसका है? नेशन का है. आप भले आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, स्टिल नेशन का टेक्निकली वो है. और जो ओशियनिक वाटर होता है, जो ओशियनिक एरिया होता है, ओशियनिक एरिया मतलब जो ओशियन है, ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज 22.2 किलोमीटर. नॉटिकल माइल्स क्या होता है इतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं. एक इतना 12 नॉटिकल माइल यहाँ पे 22.2 किलोमीटर है फ्रॉम कोस्टल एरिया, ये भी नेशन को बिलोंग करता है, राइट. इसको हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं. टेरिटोरियल वाटर मतलब ये जो ओशन में 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट, कोस्ट से लेके 12 नॉटिकल माइल का जितना पानी है उसको हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं. मतलब वो नेशन को बिलोंग करता है, वो अपने नेशन को का है. क्लियर? ओके, तो बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा अभी, अपन ने नेशनल रिसोर्सेज के बारे में. नेशनल मतलब क्या होता है? जो पूरे नेशन के, आपके पर्सनल नहीं है. टेक्निकली देखा जाए तो जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे पूरे नेशन के ही होते हैं, ठीक है. आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी वो भी एक्चुअली तो कंट्री की प्रॉपर्टी है ना, भले आपने उसको पैसे दे के खरीदा है. गवर्नमेंट जब भी चाहे ना उस आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकती है, ठीक है. जैसे आपने देखा होगा काफी प्राइवेट फार्म्स पे है ना कैनाल, रोड्स और ये सब कंस्ट्रक्टेड होते हैं. मतलब अगर नेशन के गुड के लिए कुछ चीज कंस्ट्रक्ट करनी है आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो वो भी हो सकता है. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द गुड ऑफ द नेशन, राइट. फिर बोला जितना भी वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, जो भी टेरिटोरियल एरिया है इंडिया का, और जो ओशियनिक वाटर है, जो ओशन है, ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट, कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक, जिसको हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, ये सब नेशन का, इंडिया का है, वो नेशनल रिसोर्सेस है. अब अपन पढ़ने वाले इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में, राइट. इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ओके, काफी ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को ओन करती, ठीक है. कौन से ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है? जैसे देयर सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेकिंग सम रिसोर्सेज, ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल,
ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन। अब ये जो ओशियनिक जोन है जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का ओशन है वो ओपन ओशन है, वो कोई भी कंट्री का नहीं है, वो एक कॉमन ओशन है, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला। एंड कोई भी कंट्री उसको वो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकती। मतलब काफी ऐसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कॉमन चीजों को कंट्रोल करती है जो कोई भी पर्टिकुलर नेशन की नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल बोला, जो ओशनिक वाटर है, जो ओशनिक एरिया है, जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का ओशन है वो ओपन ओशन है, वो किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करता है। तो ये किसको बिलोंग करता है? एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करता है। तो कोई भी कंट्री को अगर वो यूज करना है तो पहले उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्स, प्राइवेट रिसोर्स मतलब इंडिविजुअल के ओन रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स मतलब बहुत सारे जो कम्युनिटी में लोग रहते हैं उनके रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स मतलब पूरे कंट्री के रिसोर्स, और इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब पूरे वर्ल्ड का रिसोर्स। क्लियर? अब अपन पढ़ेंगे रिसोर्सेज बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो है एक पोटेंशियल रिसोर्स एंड द अदर वन इज डेवलप्ड रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब क्या होता है? ऐसा रिसोर्स जो एक्चुअली रिसोर्स तो है लेकिन अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया, मतलब एक्चुअली हम अभी तक उसको यूज कर ही नहीं रहे। जैसे अभी इंडिया के वेस्टर्न साइड पे स्पेशली जो राजस्थान और गुजरात में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वहां से हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। मतलब काफी ऐसे लोकेशन है जहाँ पे बहुत अच्छा सोलर एनर्जी कैप्चर हो सकती है, काफी ऐसे लोकेशन है जहाँ पे विंड एनर्जी कैप्चर हो सकती है, लेकिन अपन को पता है लेकिन अभी तक उसको हम लोग यूज कर नहीं रहे। वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है जिसको हम फर्दर यूज फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, वो रिसोर्स अभी नहीं है, ठीक है, बिकॉज हम उसको अभी यूज नहीं कर रहे, लेकिन पोटेंशियल रिसोर्स है। पोटेंशियल मतलब जिसको फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैन ऑफ पड़ा है, अब जो फैन है वो अपनी गर्मी कम करने के लिए रिसोर्स है लेकिन अभी ऑफ है तो वो यूज नहीं कर रहे अपन, तो वो अपने लिए कैसा रिसोर्स है? पोटेंशियल रिसोर्स। जिसे स्विच ऑन करेंगे हम इसको यूज कर पाएंगे। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं, वो यूजेबल है बट यूज हुआ नहीं है। और एग्जाम्पल मैंने बोला राजस्थान गुजरात साइड पे काफी ऐसा रीजन है जहां पे हम सोलर पावर कैप्चर कर सकते हैं, विंड एनर्जी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो यूज हुआ नहीं है, तो दैट इज पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज डेवलप्ड रिसोर्स। ओके, डेवलप्ड रिसोर्स रिसोर्सेज जिसका सर्वे कर दिया है, जिसकी क्वांटिटी भी पता है, जिसकी क्वालिटी भी पता है। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फीजिबिलिटी। मतलब ये जो डेवलप रिसोर्स है, पता है ये रिसोर्स है, सर्वे कर लिया है, पता चल गया इतनी क्वांटिटी का रिसोर्स है, ऐसी क्वालिटी का रिसोर्स है, इसको यूज भी करना है, बट इसमें कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करना बाकी है। और वो डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि आपके पास वो रिसोर्स को डेवलप करने की टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, एंड फीजिबिलिटी एंड द लेवल ऑफ फीजिबिलिटी, और वो रिसोर्स यूज करना पॉसिबल है कि नहीं, वो बोलते हैं डेवलप रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स तो मतलब जिसका अपने अभी तक सर्वे और कुछ नहीं निकाला, ना उसकी क्वांटिटी पता ना क्वालिटी, बट हाँ ऐसा कहीं ना कहीं पता है कि वहां पे बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन उसके बारे में अपने कुछ किया ही नहीं अभी तक। और डेवलप रिसोर्स मतलब क्या? आपको पता है ये जगह रिसोर्स है, आपने उसका सर्वे किया है, क्वांटिटी जानी है, क्वालिटी जानी है, आप उसमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करना बाकी है। वो डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी है कि नहीं, और वो डेवलपमेंट करना फीजिबल है कि नहीं, डेवलप रिसोर्स। क्लियर? तो अपन ने अभी पढ़ा इंटरनेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स जो पूरे नेशन के बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल जो पूरे वर्ल्ड के बिलोंग करते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स है अवेलेबल है लेकिन हम उसको यूज अभी तक कर नहीं रहे, ना हमने कुछ उस पर सर्वे किया, ना उसकी क्वांटिटी पता है, ना क्वालिटी, बस पता ऐसा कुछ है, कितना होगा क्या होगा कुछ आइडिया नहीं, हमने कुछ करा नहीं लेकिन हम उसको यूज कर सकते हैं। डेवलप रिसोर्स में वो एक्चुअल रिसोर्स से एक स्टेप आगे, मतलब हमने वहां पे सर्वे कर लिया, उसकी कितनी क्वांटिटी क्वालिटी सब जान लिया, अब एक्चुअली इसको यूज करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ डेवलपमेंट करना है, और वो डेवलपमेंट करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी है या ये चीज फीजिबल है कि नहीं, ये देखना बाकी है। क्लियर हुआ इतना? बोर्ड पे ध्यान दो। ओके, तो नेशनल रिसोर्स टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। टेक्निकली देखे जाए तो सब नेशन का ही अपना थोड़ी है। कंट्री इज लीगल पावर टू अक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अपने कंट्री के पास लीगल पावर है कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट ओन कर सकती है कंट्री के गुड के लिए। यू माइट हैव सीन रोड कैनल कंस्ट्रक्टेड ऑन प्राइवेट फील्ड। आपने देखा होगा कोई प्राइवेट फील्ड में रोड कंस्ट्रक्टेड है, कैनल कंस्ट्रक्टेड है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी आर एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू अक्वायर द लैंड। जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको गवर्नमेंट पावर देती है कि आप कोई भी लैंड अक्वायर कर सकते हो। All the mineral, water, forest, wildland, land within the political boundary, oceanic area up to 12 nautical miles,
जितना भी वाटर फॉरेस्ट मिनरल रिसोर्स है और जो भी ओशनिक एरिया 12 नॉटिकल माइल्स है, 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर तक फ्रॉम कोस्ट बिलोंग टू द टेरिटोरियल वाटर। ओके, जिसको हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं बिलोंग टू नेशन। तुमको पूछ सकते हैं टेरिटोरियल वाटर क्या है, तो टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया फ्रॉम द कोस्ट, ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट वो टेरिटोरियल वाटर है। इंटरनेशनल रिसोर्स है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट विच रेगुलेट सम रिसोर्स, काफी ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कुछ कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो कंट्री कैन यूज इट विदाउट द कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो बोला है यहाँ पे जो ओशनिक रिसोर्स है 200 नॉटिकल माइल के बाद वाले वो ओपन ओशन को बिलोंग करते हैं, कोई इसको यूज नहीं कर सकता, कोई भी कंट्री इसको यूज नहीं कर सकती उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन लिए बिना। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्स, रिसोर्स विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, जो रिसोर्स मिल तो गए लेकिन हमने उसको अभी तक यूज नहीं किया। एग्जाम्पल, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात है enormous potential for development of wind or solar energy so far but have not been developed। मतलब बोला है वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया स्पेशली जो गुजरात और राजस्थान, उसमें बहुत ज्यादा क्षमता है, पोटेंशियल है कि वहां पे आप सोलर और विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ डेवलपमेंट अभी तक हुआ नहीं है, तो कैसे रिसोर्स हो गए पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट वन, डेवलप रिसोर्स, रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड, वो पोटेंशियल से एक स्टेप आगे जिसके रिसोर्स का आपने सर्वे कर लिया, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी आपने डिटरमाइन कर ली है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फीसिबिलिटी, अब वो रिसोर्स डेवलप हो पाएगा कि नहीं वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और फीसिबिलिटी में, राइट। तो अपन ये चार पॉइंट्स पढ़ने पर इसके नोट्स पर और रमन आगे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अभी जितना पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ के उसके नोट्स बना रहे हैं। गुड बाय।